अभी तक में हमको चाय इतना अच्छा लगा कि 9 कप चाय पी चुके हैं। अभी और 2-3 कप मारेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और स्वागत है मेरे इस जायके में। आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों को एक नए स्पॉट पे। भैया आपका किशोर यादव। किशोर यादव, कब से चाय का स्टॉल लगा रहे हैं आप यहां पे? 3-4 साल से लगा। 3-4 साल से। तो भैया का चाय जब हम पिए तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी टेस्टी चाय लगा मुझे। और एकदम रोड पर इनका छोटा सा स्टॉल है, विनोद बिहारी चौक के पास में है। आप जब आएँगे विनोद बिहारी चौक तो वहाँ से जस्ट सामने में ही इनका स्टॉल है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे विनोद बिहारी चौक है और वहाँ से सामने में ही इनका चाय का एक छोटा सा स्टॉल है। और देख सकते हैं यहाँ पे बैठने का भी सब अरेंजमेंट है पीछे में। और यहाँ पे इनका काउंटर है और भैया यहाँ पे चाय बनाते हैं, काफ़ी टेस्टी चाय बनाते हैं भैया, इसलिए हम सोचे इनको एक्सप्लोर करें। पूरा एकदम ऑट ऑट के बनाते नहीं चाय, तो बहुत लोग बनाते लेकिन सबका हाथ का टेस्टी चाय बनता नहीं है। लेकिन और कोयले का चूल्हा पे जो बनता है, कोयले का जो स्वाद आता है वो तो अलग ही रहता है। और उसका भाड़ में जो जाता है चाय तो उसका टेस्ट एकदम बेहतरीन हो जाता है। और ये सामने का लोकेशन। अब भैया है चाय का लुत्फ उठा रहे। कैसा है भैया चाय टेस्ट? चाय बहुत बढ़िया टेस्ट। बढ़िया है? बहुत अच्छा है। पहली बार पी रहे कि पहले ही पिए हैं? नहीं, आज सुबह आए थे एग्जाम देने के लिए तो सुबह पिए, अच्छा लगा तो फिर आ गए। अभी सुबह में पिए थे लेकिन फिर हम और अच्छा लगा तो फिर चना के पिए और सोचे कि इसको एक्सप्लोर करें। नहीं, सही में चाय बढ़िया है, टेस्ट भी अच्छा है और क्वांटिटी भी। अभी देखिए हमको भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब चाय के एंजॉय करिए। थैंक यू। यहाँ पे खड़े होके जो चाय पीने का जो फीलिंग है कुछ अलग ही रहा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। खोलने और बंद करने का समय क्या है आपका यादव जी? 5 बजे खोलते हैं और 9 बजे बंद करते। रात में 9 बजे बंद करते हैं जी। हाँ, 5 बजे खोल देते हैं। हाँ, सुबह। तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 बजे यादव जी अपना दुकान खोलते हैं और रात में 10 बजे बंद करते हैं। चाय का क्या क्या रेट है आपके पास? ये वाला 10 रुपये का है। हाँ, ये वाला 6 रुपये का है। ये वाला 6 रुपये का है और ये 5 रुपये का है। तो अलग अलग 5 रुपया, 6 रुपया और 10 रुपया, 3 रेट है आपके पास ना। और चाय तो बहुत ही टेस्टी है इनका, नो डाउट, काफ़ी अच्छा है। छोटा सा स्टॉल है। तो भैया यादव जी का चाय पी के कैसा लगा आपको? भैया एक्चुअली मैं धनबाद से बाहर का हूँ, यहाँ पे एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं। सीटेट का, दुमका से आए हैं, झारखंडी है। आज हम सुबह यहाँ पे एक बार चाय पीने आए थे और अभी तक में हमको चाय इतना अच्छा लगा कि 9 कप चाय पी चुके हैं। अभी और 2-3 कप मारेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा यार। बहुत अच्छा लगा और अंकल भी अच्छे हैं, जो एक होना चाहिए कि व्यवहार भी होता है सबसे बड़ा चीज़। तो ये व्यवहार भी अंकल का अच्छा है, हेल्प भी किए थे सुबह, हमको बताएं भी हमको कुछ चीज़ का ज़रूरत था तो अच्छा व्यवहार भी है। और चाय तो बोलना ही बेकार है, जब सोच सकते हैं 9 कप चाय पी गए हैं और 2-4 कप अभी और मारेंगे। काफ़ी पसंद है। मैं भी सुबह में आया था तो इनका 1 कप चाय पिया, तो सोचा कि इनको एक्सप्लोर करूं, क्योंकि हर जगह चाय का जो टेस्ट है अच्छा रहता नहीं है, बहुत कम ही जगह आपको अच्छा टेस्ट मिलेगा। और यादव जी का चाय जो है नो डाउट काफ़ी टेस्टी है।
और लोग का जो फीडबैक है वो भी काफ़ी अच्छा है, और यादव जी भी काफ़ी एकदम भोले वाले दिख रहे हैं। अच्छे अच्छे व्यवहार होना चाहिए। हाँ, और अंकल का व्यवहार भी सबसे अच्छा है। कोई बाहरी अगर आ गया यहाँ पे और वो पूछ रहा है, अपने जैसा बात करके बैठाना सही चीज़। आजकल का ये जो भागदौड़ जिंदगी है, इसमें कोई अपनों के लिए इतना समय नहीं रखता है, नहीं रखता, सही। लेकिन एक पराए आदमी के लिए अंकल का बताना भी सही है और जेन्यून चीज़ देना भी सही है। और मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए, लेकिन जो भी है बहुत सुखी हुए आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। नहीं, वही हम देखिए आश्रम जैसा का फीलिंग भी आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जी जी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैं भी यहाँ पे आया तो टेबल वेबल लगा हुआ है, बैठ थोड़ा अलग फीलिंग यहाँ पे आ रहा है। मैं तो आया उस टाइम चाचा से चार कप सुबह सुबह चाय बन रहा है, तीन चार बार हुआ है। हाँ, दिन और मार ही लेंगे, मार ही लेंगे, अभी जाएंगे ताकि 5 बजे छुट्टी होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा है, लोगों का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। काफ़ी बहुत टेस्टी चाय है, बहुत टेस्टी। तो ये आप जो चाय पिलाते हैं पैकेट का दूध का रहता है कि अपना? नहीं, अपना भैंस हमारा खटाल अपना है। अपना खटाल है तो एकदम प्योर दूध आप भैंस का दूध का चाय बनाते हैं। है। तो देख सकते हैं आप कितने से पी रहे भैया आप? सात आठ साल। 3 साल, 3 साल तो पहले खुलवे किए हैं। बोलिए। अच्छा, पहले भी था लेकिन कोरोना में पहले था तो कुछ दिन बंद हो गया था ना बीच में। पहले कुछ दिन बंद हो गया था, सब कुछ बंद था। फिर बाद में खोले, हम पूछे तो बोल रहे 3 साल है, मतलब काफी पुराना जगह का दुकान है तब। अच्छा अच्छा, बोल रहे 3 साल, डरे नहीं बोल रहे हैं, कह रहे डर कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यादव जी का जो चाय का टेस्ट है काफी अच्छा है, तो होप आप लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ का चाय का जो टेस्ट है आप लोग जरूर लेंगे। जाते जाते बस यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।